एनर्जी डेंसिटी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी याद है क्या होती थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है। तो इसके लिए काम करते हैं, इंडक्टर लेते हैं। एक इंडक्टर के अंदर अगर आई करंट जा रहा है तो उसमें बी कितना जनरेट हुआ? म्यू नॉट एन आई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट क्या आ गया? बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इनटू एन करंट आ गया। अब इंडक्टर का एल क्या होता है? हमने ईएमआई चैप्टर में किया था एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल का ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला कोई भी, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फिर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस एल को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं एनर्जी के अंदर। तो एल को उठा के ये पुट कर दिया और करंट को यहाँ से यहाँ उठा के पुट कर देते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, ये एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर आ गई। पर हमने क्या निकालना है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। एल एल कैंसिल, ये बॉक्स में डालो। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपेसिटर में भी एक्सप्रेशन किया था एनर्जी डेंसिटी का। ये आंसर था हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में इसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके इक्वल है, और मैग्नीट्यूड दोनों का एग्जैक्टली क्या रहता है? हमेशा सेम। ये हम आने वाले टाइम में प्रूव भी करेंगे। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये भी अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? आप इस फॉर्मूले में ई को रिप्लेस कर दो बी के साथ और एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो वन बाय म्यू नॉट के साथ, हो गया याद। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आपके सामने।